नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। शहर के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत शमशान घाट में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटवाया गया। दरअसल काफी दिनों से बरारी स्थित शमशान घाट स्थित सरकारी जमीन पर महादलित परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, जिन्हें 15 दिन पूर्व ही जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर जगह खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसी को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन ने JCB की मदद से बरारी शमशान घाट के समीप की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इधर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए आशियाने की उजड़ जाने के बाद वहां रहने वाले सैकड़ों महादलित परिवार को घर के बिना अपने परिवार और बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। घर द्वार मिलना चाहिए सर, शमशान घाट में रह के सर झाड़ू बाड़ू दे छिए खाए बाल बच्चा मिली के बाबू हमरा सुन के झोपड़ी बनाए एगो झोपड़ियो के साथ दे बाबू आए जगह देंगे तब हम हटी जेबे सर एनो बात नहीं छे हटी जेबे मतलब हमरा नी जगह चाहिए बाबू कहलो छे कहलो सब हां दिक्कत बहुत हो रही छे बाबू घर देखते हैं जिसे भी चला रहा है एकदम पूरा घर द्वार में पूरा सामान सनी पूरा मेरा एकदम जो है बर्बाद हो रहा है पूरा सब बाल बच्चा से भर रहा है कहीं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है सरकार एकदम क्या करें हम लोग पूरा एकदम देख रहे हैं तित तित करके पूरा एकदम किसी तरह निकाल रहे हैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है सरकार खाली प्रशासन से भर दिया है बोलते हैं तो लाठी चार्ज करता है हम लोगों पर। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वन विभाग के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे वन प्रमंडल में पर्यावरण समेत जीव जंतुओं को इसका लाभ मिल सके। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना में प्रमुखता से पशु पक्षियों को सहेजने और उनके रखरखाव के साथ उनकी नस्ल को सुरक्षित रखने को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल गरुड़ों का प्रजनन स्थल और गढ़ माने जाने वाले भागलपुर नवगछिया स्थित कदवा और जगतपुर झील के समीप रहने वाले लोगों का गरुड़ से काफी लगाव है, जिसके कारण किसी कारणवश गरुड़ के घायल हो जाने पर लोग खुद ही उसका इलाज भी करते हैं। साथ ही लोगों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी जाती है, जिसके बाद वन प्रमंडल की टीम उसकी सही देखभाल कर सके। बताया जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व 3 गरुड़ को रेस्क्यू किया गया था, जिसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के विशेष सचिव ओम प्रकाश यादव, जिला वन पदाधिकारी और भागलपुर वन प्रमंडल के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे गंगा के किनारे छोड़ दिया गया। बता दें कि भागलपुर नवगछिया के कदवा में गरुड़ का एकमात्र प्रजनन क्षेत्र है, जहां काफी संख्या में गरुड़ मौजूद रहते हैं। बताया जाता है कि गरुड़ के इसी समूह के 3 गरुड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम द्वारा उपचार और देखभाल की गई और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद इन्हें पदाधिकारियों की उपस्थिति में खुले आकाश में छोड़ दिया गया। वहीं इसको लेकर बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि भागलपुर क्षेत्र गरुड़ का प्रजनन स्थल है और गरुड़ की सुरक्षा के लिए केवल वन विभाग ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी जागरूक होकर आगे आना होगा, जिससे गरुड़ की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। बोल रहे हैं गरुड़ प्रजाति का, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया में बहुत कम जगह ऐसे हैं जहां गरुड़ों को रेस्क्यू किया जाता है, उसको फिर से खड़ा किया जाता है और उसके स्पेसीज को की संख्या को बढ़ाई जाती है। उसमें भारत में अपना राज्य और उसमें आपका भागलपुर शहर ये गरुड़ प्रजनन केंद्र है कदवा में, आप लोग सबको पता है। तो होता क्या है कि ये सब स्पेसीज है, गिर गया, पैर टूट गया, घायल हो गया, बच्चे गिर गए या कोई पकड़ के ले जा रहा है, इंसान तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है मन, तो एनीवे उसको रेस्क्यू करके यहाँ रखते हैं, फिर वो जब उड़ने के लायक हो जाता है उसकी फीडिंग की जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसको हम लोग फिर इसके नेचुरल हैबिटेट में हम लोग इसको छोड़ देते हैं। भागलपुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से पीरपैती प्रखंड के प्रिय दर्शनी भवन में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पीरपैती कहलगांव ट्रक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रविशंकर सिन्हा उर्फ कंचू राम ने की। इस दौरान ट्रक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कई जानकारी साझा करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 2 वर्षों से लंबित परिवहन परिचालक बनाम फाइनेंशियर के बीच चलने वाले मुकदमों का निष्पादन कर दिया गया है, जिसमें किसी भी हालत में फिनांसर द्वारा वाहनों को जबरन
नहीं पकड़ने का निर्देश दिया गया है। दीप नारायण सिंह ने कहा कि अगर फाइनेंशियर द्वारा कानून का उल्लंघन कर गाड़ी पकड़ी जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वही न्यायालय से गाड़ी मालिकों को मिली इस बड़ी राहत से काफ़ी मुश्किल आसान हुई है। और फाइनेंशियर द्वारा अगर गाड़ी को जबरन जब्त करने पर गाड़ी मालिक के पास फाइनेंशियर के विरुद्ध न्यायालय जाने का अधिकार है। साथ ही कहा कि इस परिस्थिति में कोर्ट जाने पर गाड़ी मालिकों का जो भी खर्च होगा उसका भुगतान फाइनेंशियर को करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह के अलावा पीरपैंती कहरगांव ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष बबलू यादव, सुशील ठाकुर समेत एसोसिएशन के कई सदस्यों ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। पूरे बिहार एवं भागलपुर जिला समेत फाइनेंशियर का जो गुंडा है एवं फाइनेंशियर का अवैध ढंग से जो गाड़ी पकड़ने का मामला चल रहा था पिछले कई सालों से, उस मामले में पटना हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ था जिसका कि आज 19/5/2023 को 53 पृष्ठों में वो आदेश पारित किया गया है। उस आदेश के तहत मुख्य उसका माने जो आदेश हुआ उसमें मुख्य उद्देश्य उनका यह आदेश यह हुआ है कि कोई भी फाइनेंसर के नाम पर या फाइनेंसर के गुंडा या फाइनेंसर के लोग बिना सक्षम न्यायालय के आदेश लिए हुए सड़क पर चलती वाहनों को नहीं पकड़ें। अगर पकड़ते हैं तो उनको 50,000 रुपया का जुर्माना भी देना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी आदेश पारित किया है कि फाइनेंसर के लोग किसी भी हालत में कोई गुंडा लेकर जो थाना से संबंध लेकर काम करता था कोई भी गुंडा अब सड़क पर नहीं काम करेंगे। अगर करते हैं तो उसके खिलाफ उस जिला के DM और SP को आदेश मिला है कि आप उस पर निगरानी रखें। भारतीय वन्य जीव संस्थान और सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी की ओर से भागलपुर तिलका मांझी स्थित TNB लॉ कॉलेज परिसर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय वन्य जीव संस्थान की शोधकर्ता प्रिया प्रजापति ने जैव विविधता संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार विषय पर अपनी बात रखी और जन भागीदारी से बड़ा बदलाव लाने पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए गंगा प्रहरी के स्पेयर हेड गौरव सिन्हा ने मिशन लाइफ और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट विषय पर कहा कि हम सभी अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने वहां मौजूद सभी सदस्यों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ भी दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 के थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर TNB लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सुनीता कुमारी, गंगा प्रहरी प्रशांत और शुरुआत समेत कई लोग मौजूद रहे। अब वो तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। मेरा नाम RK सिंह है और मैं बरियातू रांची का रहने वाला हूँ और मुझे 4 साल से डायबिटीज था। जीटामेट प्लस दवा खाते थे, जीटामेट 2000 और यही खा करके कंट्रोल किए हुए थे। फिर जब डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, एक्चुअली हमारे कलीग, हमारे ऑफिस के कुछ कलीग यहाँ इलाज करा रहे थे तो उन्होंने बहुत फ़ायदा हुआ था। तो वही हम भी ट्रायल में आए थे, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था पहले, तो ट्रायल में आए तो जब यहाँ का दवा हम खाए जो इन लोग परहेज जैसे बताए किए, तो 1 महीना के बाद ही मेरा डाउन होने लगा। तो 2 महीना से मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। धीरे धीरे सब दवा छूट गया, पहले अंग्रेजी दवा छूटा और अंग्रेजी दवा को पहले पावर कम किए डॉक्टर, और उसके बाद फिर पूरा दवा छूट गया इंग्लिश, और एलोपैथ दवा छूटने के बाद सिर्फ ये इनका दवा चला और 2 महीने से इनका दवा भी नहीं चल रहा है। और मेरा शुगर अभी 122 है खाना खाने के बाद, चावल वगैरह सब, चावल आलू का सब्जी चोखा सब खाने के बाद भी मेरा 122 है पिछले सैटरडे का रिपोर्ट, और इसके पिछले हफ्ते का था 128। तो मेरा रेंज में रह रहा है, मतलब 130 से ऊपर नहीं जा रहा है पूरा खाना खाने के बाद भी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन दिनों बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री के फैन पर एक अलग सी खुमारी दिखने लगी है, जिसमें अपने पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री की सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद कई लोग खुद को भी उसी रूप में ढालने की कोशिश में जुट जाते हैं।
ताज़ा मामला भागलपुर से जुड़ा है, जहां सोशल मीडिया सेंसेशन और हमेशा अपनी ड्रेस को लेकर विवादों में रहने वाले उर्फी जावेद की अजीबोगरीब ड्रेसअप सेंस के मुरीद हो चुके। भागलपुर के घंटाघर निवासी संजय कुमार के पुत्र ब्रजेश कुमार ने अखबार से एक नए डिज़ाइन का ड्रेस बनाकर उसे पहन लिया और सड़कों पर डांस करते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहीं युवती के लुक में युवक को अखबार से बनी ड्रेस पहनकर डांस करते देख सड़क पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। इसके बाद इसके पीछे का कारण पूछने पर युवक ने खुद को उर्फी जावेद का फैन बताते हुए कहा कि वह उर्फी जावेद को फॉलो करता है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करता है। बीएड की डिग्री हासिल कर चुके पेपरमैन बने ब्रजेश ने कहा कि बचपन से ही उसे मॉडलिंग का शौक था और पहले भी वो स्कूल कॉलेजों के लेवल में मॉडलिंग के छोटे छोटे इवेंट में हिस्सा लेता रहा है, जबकि नौकरी में रुचि नहीं होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से वह सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मॉडलिंग करियर को आगे ले जाने के प्रयास में लगातार जुटे हैं। साथ ही कहा कि एक्ट्रेस उर्फी जावेद का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन उसे काफ़ी पसंद आता है, इसे देखकर वह भी एक्ट्रेस की तरह ही अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम खुद से डिज़ाइन कर उसे पहनता है, जबकि इस ड्रेस में अलग अलग जगहों पर रील वीडियो बनाकर वह अपने ब्लॉग पर डालता है, जिससे सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी कला और करियर को पहचान मिल सके। आज ये मॉडलिंग नहीं जान रहा है, मॉडलिंग नहीं कर पा रहा है और यह कपड़ा अपने से नहीं तरीके का पहन पा रहा है, इसे स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो पेपर का ये जो कॉस्ट्यूम है ये कहाँ तक सही, इसे कैसे देख रहे हैं आप जी, ये आइडिया कैसे आया? वो चीज़ मैम का हम कुछ देखे थे, वो चीज़ हम मैम का कोई ड्रेस पहनते हुए देखे थे, तो हम सोचे पेपर का हम बनाए मैम, तो इसलिए हम मैंने पेपर से मेहनत से बनाए। उर्फी जावेद के आप फैन जी? उर्फी जावेद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं, इसके बावजूद आप उनके फैन जी? क्या करते क्या हैं आप? अभी हम तो पढ़ाई कर रहे थे। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो बी एड में है। बी एड में जी? बिहार सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए बड़े पैमाने पर अस्पतालों में ANM, GNM और समेत कई स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी एवं डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल देखने को मिलती है, इसका खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। वहीं इसको लेकर भाजपा नेता बंटी यादव ने बिहार सरकार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में करीब 350 PSC बनाए गए हैं, लेकिन बिहार सरकार की लचर व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य विभाग में सही से काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी गांव में मरीजों को सही से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण सभी PSC में देखा जा सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और युवा समाज सेवी बंटी यादव ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुए कहा कि एक तरफ बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से दुरुस्त व्यवस्था का ढोल पीटा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही इस लचर व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो सड़क से सदन तक आवाज उठाकर आंदोलन तेज किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि मरीजों को उचित समय पर उचित इलाज के साथ दवाइयां मिलने पर ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ समझी जाएगी। सदर अस्पताल खुला होना है, वहाँ दवाई उपलब्ध होना है। मैं नौकछिया गया था 1 बजे उसी दिन, जब मैं PSC गया था नौकछिया भी मैं PSC गया था, वहाँ पे प्रभारी नहीं थे। प्रभारी से मैंने सूची मांगा दवा का, बोलते हैं ऑपरेटर नहीं है। मैंने उसका वीडियो नहीं डाला अभी तक, लेकिन मेरे पास प्रूफ है, कहते हैं कि दवा का वो सूची उपलब्ध नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने पूछा 19 आपके हेल्थ सेंटर आपके अंडर में है, 3 PSC है, उसकी सूची दीजिए कौन ड्यूटी पर है वहाँ, वो सूची आज तक नहीं मिला। तो मैं DM साहब को और सिविल सर्जन को और बिहार सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को भी मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, इसको जल्द से जल्द ठीक करें, नहीं तो सड़क से लेकर सदन तक आपका आंदोलन होगा और आपका जो भंडाफोर है, ये जो आप लोगों ने दुकानें खोल रखी है, ये दुकानों का भंडाफोर करने के लिए हम लोग रोड पर एक कार्यकर्ता भाजपा के ही काफ़ी है, हम लोग इसको करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।